हंड्रेड ईयर सेंचुरी वालद और दादा के ये अली वाले प्योर क्वालिटी में कबूतर हैं। ये अली वाला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बता रहे हैं और ऐसी कबूतर परवरी के हवाले से तरीसा शख्सियत के मालिक, जिनका शौक के हवाले से पूरी दुनिया में नाम है, जिन्होंने अपने घर की ब्रीड और पाकिस्तान में तो कबूतर परवरी के हवाले से उन्हें वो मुकाम हासिल है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक नाम और मकाम रखने वाली शख्सियत उस्ताद मियां नज़ीर मरहूम साहब के पार्टी के ये बड़े अहम मेंबर हैं। और चकवाल डिस्ट्रिक्ट, जो कि पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है, अब चूंकि सर्दी का मौसम है तो मुख्तलिफ गाड़ियों में, बसों में, चौराहों पर, मुख्तलिफ शॉप्स पर यहाँ की एक मशहूर चीज़ चकवाल रेवड़ी मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में, पाकिस्तान के कोने कोने में बड़ी मशहूर और बड़ी मिठास और बड़ी शीरी वाली चीज़ चकवाल रेवड़ी के नाम से। आज हम जिस शख्स के पास यहाँ चकवाल आए हुए हैं, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। जिस तरह यहाँ की मशहूर रेवड़ी है, इस तरह उनकी मोहब्बत, प्यार, खलूस, शराफत, ईमानदारी और इस शौक से लगन हमें झेलम से इनके पास चकवाल लेकर आए। मुतद बार मेरी इनसे काफ़ी मुलाकातें भी हुई, लेकिन आज हम मेरा शौक के हवाले से इनका तफसीली इंटरव्यू आपको अपने YouTube चैनल पर दिखाएंगे। उस्ताद मियां नज़ीर ग्रुप से इनका ताल्लुक है, उस्ताद इम्तियाज चेयरमैन के ये शागिर्द हैं लाहौर वाले के। मियां नज़ीर पार्टी के ये इस इलाके में सरकर्दा और बड़े ईमानदार, बड़े खलूस वाले, प्यार वाले, मोहब्बत वाले उस्ताद चौधरी फजलदाद साहब, उनके डेरे पर हम मौजूद हैं। हमारे सामने, आपके सामने उस्ताद फजलदाद साहब, जनाब क्या हाल है? ठीक ठाक से ठीक है, मालिक का एहसान है जी। हमें तमाम जो नौजवान शौकीन हजरात हैं, आपके चकवाल में तो आपका नाम किसी तारों का मोहताज नहीं, और जिस उस्ताद से आप मुंसलिक हैं उनका भी पूरी दुनिया में चर्चा है, नाम है, उन्हीं के कबूतर आपके पास हैं। इस इलाके में हर वो कबूतर परवर आपको जानता है। शौक के हवाले से जो आजकल जारी है, उसके मतलब कोई नौजवानों को, शौकीन हजरात को, साजा इकराम को उनके बारे में कुछ बताएं, ताकि आपकी की हुई गुफ्तगू उनके लिए, नए शौकीन के लिए एक रास्ता हो, एक अच्छा उनको आसानी हो कि वो अपने शौक को जारी रख सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस तरह ये शौक तो बहुत अच्छा है अगर इसको गेम की सूरत में खेला जाए तो। यहाँ पर अनापरस्ती कर लेते हैं लोग, जिसकी वजह से ये शौक़ थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। दूसरा, ये जो मीडिया में एक दूसरे की पगड़ियाँ उछा रहे हैं, उस्ताद साहिबान भी, मोहतरम है हमारे लिए सभी, लेकिन ऐसा है ना, ये शौक़ को गेम की सूरत में खेलना चाहिए। गेम है, इसको एक फ़न है, अपना फ़न दिखाएं, कबूतर उड़ाएं। अगर कोई हार जाता है तो वो गेम में हारते रहते हैं, जीतते रहते हैं, ये गेम का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा सारी ज़िंदगी जीतता ही रहे या सारी ज़िंदगी हारता ही रहे। जो गेम में होता है वो हारता भी है, जीतता भी है। दूसरा ये है, अगर कोई हार जाता है तो सब बंदों को पता होता है, सब शौकीन हजरात को पता होता है वो गेम में हार गए हैं या वो विन नहीं किया। जो विन करता है उसका भी पता चल जाता है, अभी लोगों ने, फलां बंदे ने विन किया। आजकल मीडिया बड़ा फास्ट है, अगर आप पोस्टें चाढ़ेंगे, चैलेंज करेंगे या उसकी इस्तेनाफ़ को मजरू करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ये गेम है, इसको गेम की सूरत में ही रहना चाहिए। आप अगर हार गए हैं तो कोशिश करें भी अपनी कामयाबी के लिए, अपने विन करने के लिए मेहनत करें, और पूरा साल है आपके पास, आप विन, आप मेहनत करके उन लोगों को विन करके दिखाएं, अपनी मेहनत से, अपने कबूतरों से आप अच्छे कबूतर बनाएं। और अच्छे उस्ताद का मैं जो
मैं तकरीबन मैं और हमारे एक दोस्त है सैयद अमीर असद सैदी साहब, बहुत प्यारे दोस्त हैं, हमने 10 साल तकरीबन पूरे पंजाब में विज़िट किया है, हर उस्ताद से रब्ता किया है, बड़े बड़े अच्छे नामवार उस्ताद से मुलाकातें की हैं, और उन हर उस्ताद के मैं कदर करता हूँ, जो भी जिस पार्टी का सरबराह है, जो भी है, जिसने इस फन में, इस कबूतर पाली के गेम में जिन्होंने लोगों ने मेहनत की है, जिन्होंने कबूतर बनाए हैं। आप देखें हमारे उस्ताद मोहतरम मियाँ नज़ीर मरूम साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, उनसे बड़ा मैंने कोई कबूतरबाज नहीं देखा ब्रीडिंग के शोबे में। इसी तरह हमारे मुखालफ ग्रुप से उस्ताद मिस्त्री दीन साहब थे, जो उड़ाने के फन में बहुत ही माहिर थे, उनसे अच्छा कबूतर उड़ाने वाला मैंने कम लोग देखे हैं। ये एक उनका फ़न है, दोनों कसूर से तलक रखने वाले हैं, दोनों मुखालफ पार्टी से हैं, लेकिन वो देखें आज दोनों हस्तियाँ चली गई हैं, लेकिन उनका फ़न ज़िंदा है, हर बंदा उनकी तारीफ करता है, चाहे मुखालफ हो चाहे अपनी पार्टी को। जो भी बंदा अच्छा काम करेगा या जो भी कोई गेम में, इस गेम में, इस खेल में जो भी मेहनत करता है या कोई चीज़ अच्छी छोड़ता है, तो उसको दूसरे लोग बाद में याद करते हैं, ना कि दूसरे। ये है, ये गेम को इस तरह खेलें, इस तरह करें कि जो इनके असूल हैं उस पे, असूलों के तहत गेम करें। बेमानी से कुछ भी नहीं होता, अगर कोई बंदा बेमानी करके जीत भी जाए ना, तो उसका हर बंदे को उस दिन नहीं बाद में पता तो चल ही जाता है। गेम में बेमानी नहीं होनी चाहिए, इसको गेम की सूरत में रहना चाहिए, और हार जाए तो कोई बात नहीं। मैं 10 साल लगातार चकवाल में बाजियां, पहले तकरीबन 95 से लेकर तकरीबन 2011 तक मैंने मुसलसल बाजियां खेली है, एक साल सिर्फ 2008 में नहीं खेली, बाकी 2000 से लेकर और 2011 तक मैं मुसलसल विन करता रहा हूँ, 10-12 गार 11 गार। मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा मैंने तुम्हें विन किया है, या मैंने इतने साल आप लोगों को विन किया है, 10-12 गार मुसलसल 11 साल विन करना मेरे लिए एजाज की बात है। पता है क्या, विन किया है तो मैंने कि ना पोस्ट चाड़ी है, ना कहीं किसी की इस नफ्स को मजरू किया है। अब ऐसा है कि 2011 को छत बंद की है, अब मैंने उड़ाई है 2018 को, तो मैं सबसे हार गया हूँ, तो लोगों ने पोस्टें भी चढ़ाई हैं, सब कुछ किया है, मैंने उनको ठीक है, मैं हारा हूँ, लोगों ने देखा है हार गए हैं, तो क्या हुआ, गेम का ऐसा है। अगला हम मेहनत कर रहे हैं, अगले साल फिर उड़ाएंगे, अल्लाह करेगा हम विन भी करेंगे, मुकाबला भी करेंगे, अच्छी फाइट होगी। तो ये है ना, हार जीत गेम का ऐसा है। दूसरे ये लोगों को जो इसमें चिड़ी मार या दूसरे आ जाते हैं, या खाम खा जो बेमानी करते हैं, या शौक को ख़राब कर रहे हैं, वो एक अच्छी सोच नहीं है, अच्छी सोच के मालिक नहीं है, जिसकी वजह से ये कबूतरबाजी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, गेम ख़राब होती है। आप कोशिश करें, हार जाएं कोई बात नहीं, बेमानी ना करें कम अज़ कम, तो गेम को गेम की सूरत में रहना चाहिए। अगर इस गेम में कोई भी प्लेयर है, कोई भी खिलाड़ी है, ये इतना अच्छा शौक है, आप जितनी इसकी तारीफ करें इतना कम है, क्योंकि आप देखें ना, आप दूसरी बुराइयों से बच जाते हैं, आपके पास फ्री टाइम है, आप बेशक आप बाजियां ना उड़ाएं, टूर्नामेंट ना उड़ाएं, आप घर में जोड़े रखें, उनके बच्चे निकालवाएं, उड़ाएं, आप बैठे देखें कैसे उड़ते हैं, कैसे वापस आते हैं, कितना टाइम लगाते हैं, आपको ब्रीडिंग कराएंगे तो आपको पता चलेगा आपके घर के बच्चे उड़ रहे हैं या आप कबूतर उड़ा रहे हैं, तो आपका रिजल्ट कैसा है। तो ये शौक है, शौक की तरह गेम करनी चाहिए। शुक्रिया जी। उस्ताद जी, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है जो मैं आपसे कर रहा हूँ। जी जी, आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया नौजवान शौकीन हजरात को, जो गेम में है, हार जीत गेम का हिस्सा है। जी जी, जो हारते हैं वो जीतते भी हैं। जी हाँ जी, कोशिश करनी चाहिए। आपकी बात को मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। आप जैसे सीनियर मोस्ट उस्ताद इस दुनिया में है जो अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं। जी जी, आपने अपनी हार को लाइव ये देखे किसी मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट किया है, वरना मैंने किसी शख्स को नहीं देखा कि उन्होंने कभी अपनी हार के मुतलक भी बताया हो। उन्होंने अपने जीत के ही झंडे गाड़े, तो वही कसीदे कई कई साल तक वो अपने दोस्तों को, अपने शागिर्दों को, अपने जो करीब तरीन लोग हैं, पार्टी मेंबरान हैं, उनको जीत वाले कसीदे सद हैं। आप वो वाहिद उस्ताद हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं 2018 को तमाम जितों से हार गया, लेकिन
आप इस कंटिन्यू इस शौक को कई साल तक जीत में बदलते रहे हैं, और उसके बाद एक गैप था, उस गैप में रहकर दोबारा आपने इस शौक को जारी रखा है, तो इंशाल्लाह आपने कोशिश की है कि आप कह रहे हैं कि अगले साल हम इंशाल्लाह मेहनत कर कर इस मुकाम को दोबारा हासिल करेंगे। तो ये जो आजकल शौक चल रहा है आजकल मौजूदा दौर में पंजाब लेवल पर, तो क्या आपको इस शौक में नई जिद्दत देखने को आ रही है? जो पुराने शौकीन नजर आते हैं, वो पुराने जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं, अब जो दौर चल रहा है वो उसको किस नजर से आप देख रहे हैं? देखें जी, अब पहले दरमियान में कुछ ऐसा रहा है कि इस शौक को अच्छा नहीं समझा जाता था, बाकी गेम बहुत ज्यादा थी, फुटबॉल था, क्रिकेट थी, कबड्डी थी, बाकी बहुत सारी गेमें थी, लोग इन्वॉल्व थे, वो अब शौक खत्म हो गया तकरीबन ज्यादा, मैक्सिमम कुत्तों की लड़ाई थी, मुर्गों की लड़ाई थी, वो खत्म हो रहा है। अब आपके पास यही एक वसी शौक रह गया है और इसमें जिद्दत आ गई है, काफ़ी समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग काफ़ी शामिल हो गए हैं इसमें, कुछ डॉक्टर है, कुछ कर्नल है, कुछ मेजर है आर्मी के हैं, कुछ अपने पंजाब पुलिस के हैं, मुख्तलिफ शोबों के कुछ वकला हैं, कुछ जज वगैरह भी हैं, मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी के लोग इसमें शामिल हो गए हैं और इसमें बहुत बेहतरी आ गई है। देखें ना, मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने 10 साल विज़िट किया है, बड़े बड़े उस्तादों का साथ मुलाकातें की हैं, सबका शौक भी देखा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हमसे अच्छे ज़्यादा मेहनत करने वाले और ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत भी की है इस शौक में और उन्होंने रिजल्ट भी दिए हैं, सब कुछ किया है। लेकिन मैंने शागिर्दी करनी थी तो पूरा पंजाब तकरीबन मैक्सिमम मैंने और शाह साहब सैयद अमीर हसन शाह साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, हमने विजिट करके 10 साल की मेहनत के बाद मैंने उस्ताद चेयरमैन साहब को चुना है, हम दोनों ने फैसला किया है कि ये हमारे लिए बहुत बेहतर है, ऐसी शख्सियत और ऐसे समझदार और सुलझे हुए बंदे बहुत कम इस शौक में होते हैं, और उन्होंने बड़ी मेहनत की है, अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाजी है उन पर, और उन्होंने मी नज़ीर पार्टी को एक मुकाम पर खड़ा कर दिया है जो पहले इतना नहीं था, लेकिन अब उनका पूरा एक पूरे पंजाब में उनकी शाखें हैं और वो सब पे सब के साथ चलते हैं और सबसे अच्छा सलूक करते हैं और तावन करते हैं, जिसकी वजह से मियां नज़ीर ग्रुप पार्टी बहुत ही मेरे ख्याल में अच्छी रिजल्ट दे रही है। चकवाल में आपने आप डिस्ट्रिक्ट चकवाल से आपका ताल्लुक है, तो फिर आपने जिस तरह बताया कि मैंने पंजाब पूरा विजिट किया है और एक ऐसे शख्स का चुनाव किया है, तो शौकीन हजरात को भी यही तासुर आप दे रहे हैं कि उस्तादी शिगिर्दी के चुनाव में आप सबसे पहले उस उस्ताद का चुनाव करें जो आपकी देखें जिसकी रिस्पेक्ट हो, जो पार्टी को लेकर चले, जो पार्टी को लीड करे, रिंग लीडर। इसीलिए वो मियां नज़ीर के नाम को इस वक्त पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने बहुत बेसिकली मैं भी उन्हें पर्सनली जानता हूँ, उस्ताद इम्तियाज चेयरमैन बड़े ग्रेट इंसान है, अगर उनके वो तमाम जो लाहौर के शौक को एक नया रंग दिया, एक नए शौक में डाला उन्होंने, कोई शक नहीं उनका किरदार, वो ऐसे शख्स हैं कि किसी भी सिटी से अगर लाहौर में किसी ने शौक करना हो तो वो सबसे पहले इम्तियाज चेयरमैन को ग्रंटर के तौर पर ये कहते हैं कि अगर ग्रंटर है तो आप वो कह दें तो आपका हमारा शौक जारी। तो जिस तरह उन्होंने कबूतरबाजी को उस्ताद मियां नज़ीर पार्टी को बतौरे रिंग लीडर इंट्रोड्यूस कराया है पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, बैरून मुल्क तक, तो मेरा ख्याल में मेरे असेसमेंट के मुताबिक पूरी दुनिया में कबूतर परवरी के हवाले से उस्ताद मियां नज़ीर का नाम किसी तारों का मोहताज नहीं। तो ये रिंग लीडर होना एक पार्टी का, उस पार्टी को इस लेवल तक ले गया है कि मेरा ख्याल में पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज है। पाकिस्तान में तो उनकी रिस्पेक्ट है लेकिन बैरून मुल्क भी लोग उनको बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं उनके नाम की वजह से, इनकी पहचान, इनकी शनाख्त। मेरा ख्याल में आपके पास भी उन्हीं के बनाए हुए कबूतर हैं जो आपने रखे हुए हैं, कई साल से आप इसको ब्रीडिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, तो क्या आप बतौरे रिंग लीडर उस्ताद इम्तियाज चेयरमैन साहब से आपके क्लोज रिलेशन है, आपका 24 आवर उनसे कॉन्टेक्ट है? जी, पहली बात तो ये है कि चेयरमैन साहब बहुत ही मेरे आइडियल हैं,
आप देखें ना, कोई भी बंदा है उसे चाहिए, कोई भी नया शौकीन है उसे चाहिए कि जब भी इस शौक में दाखिल होता है या इस शौक में उस्तादी शागिर्दी करता है तो उसे चाहिए कि वो अपने मिजाज का बंदा ढूंढे ताकि उसके साथ देर पा तलक भी रहें और वो आपके साथ भी चले और आपके मिजाज के साथ समझे। दूसरा ये है कि आप देखें ना, चेयरमैन साहब पूरे पंजाब में तकरीबन हर पार्टी, जितने भी पार्टी के मेम्बरान हैं, जहाँ भी कोई मसला होता है वो वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ उनके साथ तावन भी करते हैं। और पार्टी के अलावा भी आप देखें ना, कोई दूसरी पार्टी का भी आया, मुखालफ भी आया, तो वो चेयरमैन साहब की रिस्पेक्ट भी करते हैं और उन पर एतमाद भी करते हैं। ये ऐसी शख्सियत होती है, चंद लोग ऐसे होते हैं जो कि इस मिजाज के और इस अखलाक के होते हैं कि जहाँ पर हर बंदा उन पर एग्री हो जाता है। दूसरा ये है, आप देखें पहले जो शौक था पूरे पंजाब में, वहाँ पे यहाँ पे तकरीबन 80 की दाई में या 90 की दाई में 2-3 बजे तक फैसले हो जाते थे। अब ये बहुत फास्ट हो गया है शौक, क्योंकि बाहर के उस्ताजा तमाम इलाकों में अब बहुत ज़्यादा है। चेयरमैन साहब क्या जो से मुखालफ भी हैं, सही भट्टी हैं या कोई भी उस्ताजा हैं, वो आप देखें कि हर इलाके में जाते हैं और रहनुमाई करते हैं, जिसकी वजह से हर इलाके में शौक अब उनका रिजल्ट रात तक होता है और शाम तक रिजल्ट आते हैं। आप देखें कुछ अर्सा पहले भाई यहाँ पर 2-3 बजे फैसले हो जाते थे, अब पूरे पंजाब में तकरीबन शाम तक फैसले होते हैं। पहले देखें पिपलों वाले के उस्ताद अकमल खान, कमर खान, मीर मुख्तार, ये बड़े बड़े नामवार उस्ताद हैं, वहाँ उस तरफ कोई देखता भी नहीं था। उनके हर तकरीबन देख लें सेंचुरियाँ, हर रोज़ ही तकरीबन सेंचुरियाँ मारते हैं या 90+ वो करते हैं इस घंटे। लेकिन आप देखें ना, पूरे पंजाब में उनके मुकाबले में लोग आए हैं और देख रहे हैं कि एक वन टू वन मुकाबले होते हैं और बराबर आज ये गेम का हिस्सा है। अगर वो जीते भी है तो कम मार्जिन से आप जीत रहे हैं। अब तकरीबन पंजाब पूरे में कबूतर उड़ रहे हैं। मुझे ये एक बताएं कि कबूतर परवरी को जब आपने कहा कि तमाम शो ख़त्म हो गए, मुर्गों की लड़ाई, डॉग फाइटिंग, घोड़सवारी और बहुत से ऐसे शौक हैं जो तकरीबन ख़त्म हो गए, इस वक्त पाकिस्तान में मकबूल तरीन खेल कबूतर परवरी है। पाकिस्तान में कबूतर परवरी को नया रंग देने वाली शख्सियत के बारे में आप बताएं, वो कौन ऐसा आदमी है आपकी असेसमेंट के मुताबिक कि जिसने इस शौक को गलियों से निकालकर, शहरों से आम निकालकर पूरे पंजाब में इसका फैलाव में अमली किरदार अदा किया, उस शख्स का नाम हमें बता दें। तकरीबन पंजाब में काफ़ी उस्ताज़ हैं जिन्होंने इस गेम में मेहनत की है और वहाँ से छोटे लेवल से उठाकर इसको अपर लेवल तक ले गए हैं। उसमें सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि हमारे ही उस्ताद सिर्फ मेहनत करते हैं, बाकी भी उस्ताद जो हमारे मुखालफ हैं, सखी भट्टी साहब हैं या जिस तरह इफ्तिखार काका साहब हैं, वो देखें ना, आज पहले जेलम का नाम ही नहीं था इस इलाके का, गुजरात खारियाँ जेलम का कबूतर परवरी में, कबूतरबाजी में आज तो 10-15 साल 20 साल पीछे चले जाएँ, वहाँ पर गैर मारूफ लोग थे। लेकिन इनको देखें, उन्होंने मेहनत की है राजा काका साहब ने और उन्होंने इस गेम को ऊपर किया है। इसी तरह मुहीनवाज घुमन है, उस्ताद सही भट्टी साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं और बहुत सारे उस्ताज़ हैं जिन्होंने मेहनत करके अपने शिगिर्दों को साथ चला के इस गेम को अपर हैंड तक ले आए। और इसका सिला बहुत ज़्यादा सब उस्तादों को जाता है, बहुत लोगों ने मेहनत की है, पढ़े लिखे बंदे इसमें आ गए हैं, जिसकी वजह से अब ये शौक काफ़ी बेहतरी की तरफ चले गए। कौन से सन में आपने शिगिर्दी इख्तियार की और इससे पहले आप कैसा शौक करते थे, क्या थे, क्या पहचान किया? सर मेरे दादा साहब ने कबूतर रखे हुए थे, उसके बाद मेरे वालद साहब ने, मैं स्कूल से आता था, शुरू से ये कबूतरों का मुझे शौक पड़ गया है वालद साहब की वजह से। तो मेरा शौक शुरू से बचपन से यही था कि मैं जोड़ा लगाऊं और उसके बच्चे उड़ाऊं कितने उड़ते हैं। उस टाइम 75, 78 या 80 में कबूतरों का यहाँ जो शौक है बड़ा महदूद था,
यहाँ पर कबूतर तकरीबन 12-1 बजे फैसले हो जाते थे, 12-1 बजे जो बैठता था वो विन करके बैठता था, तो उसको बड़ा बहादुर कबूतर मानते थे। तो मैं ऐसे ही जोड़े लगा कर उड़ाते थे, फिर वो प्रैक्टिकल उधर दूसरे में पढ़ाई भी करता था, तो बीए किया है। तो हमारे शौक का जो सिलसिला है, मैंने 80 में ये टूर्नामेंट वगैरह उड़ाना शुरू कर दिया, उधर पढ़ाई भी थी, तो मई जून में टूर्नामेंट होते थे, तो उधर हमारे पेपर भी होते थे। तो इस तरह हम शौक को बस जारी रखा है। घर वालों पहले बड़ा गुस्सा करते थे, वालद साहब ये पढ़ाई करो ये करो, मैं जुनून के हद तक इसमें शामिल हो गया, तो टूर्नामेंट वगैरह उड़ाता रहा हूँ। तो पहले तो कम टाइम में मुकाबले होते थे, बंदा विन कर जाता था, फिर देखा है मुकाबले सख्त होते गए हैं, कबूतर और तेज किए हैं लोगों ने, हमने अब शाम तक फैसले होते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा है कंपटीशन, बहुत सख्त हो गया है, लोग शाम तक उड़ाते हैं। आप 7 बजे बिठाएं तो आप यकीन से नहीं कह सकते कि हम मैंने विन किया है, तो अब तो बहुत अच्छा हो गया इसको। आखिरी सवाल, उसके बाद हम आपको लोगों को उस्ताद मियां नज़ीर वाले कबूतर जो इनके बनाए हुए हैं, इनके घर में हैं, उनका शौक भी करवाएंगे। आखिरी सवाल, नौजवान कबूतर परवरों को कोई ऐसा पैगाम देना चाहें, हमारे अपना शौक के चैलेंज यूट्यूब चैनल से आप नौजवान शौकीन हज़रात को कोई ऐसा पैगाम देना चाहें? ये देखें जी, मैं शुरू से चकवाल में कबूतरबाजी 82 से 86 कर रहा हूँ, टूर्नामेंट भी विन किए हैं, टूर्नामेंट उड़ाए हैं, बाजियाँ उड़ाई हैं, सारे काम किए हैं। लेकिन आप देखें, मेरी हिस्ट्री देख लें, मेरे साथ बहुत से लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने मुझे भी छोड़ दिया है, मेरी पार्टी को छोड़ा है, या मैंने उनको छोड़ दिया है, लेकिन आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं है जो मुझे कहे कि आपने बेईमानी की है या आपने बेईमानी का साथ दिया है। मैंने कभी भी दोस्त यार ने अगर किसी ने बेईमानी की है तो मैंने उसका साथ नहीं दिया, जो इतादी है उनका भी साथ नहीं दिया। पार्टी के जो शिगिर्द हैं उन्होंने कभी किसी, आज तक कोई बंदा ये नहीं कह सकता भी चौधरी फजलदार ने बेईमानी की है या चौधरी फजलदार ने बेईमानी कराई है या बेईमानी करने वालों का साथ दिया है। इस गेम को गेम समझे, बेईमानी मत करें और बेईमानी से साफ शौक करें, इसमें शौक को शौक रहने दें। दूसरा ये है, आप देखें शौक को ख़राब करने वाले वही लोग होते हैं जो बेईमानी करते हैं, जो चिड़ी मारी भी करते हैं या ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से ये कबूतरबाजी ख़राब हो रही है। मैंने 2003 में उस्तादी शागिर्दी की है, उससे पहले भी मेरे रिकॉर्ड है, मैंने पर बांध के 4-4 पर बारले बांध के टांग के कबूतर जेठ में बाजियों में उड़ाए हैं। उस टाइम टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता था, 3-4 बजे के बाद पर बंदे कबूतर मेरे बाजियों में बैठते रहे हैं मेरे उस्तादी शागिर्दी से पहले भी। लेकिन मैंने एक वो जो होता है ना, आप देखें जो जिसका उस्ताद नहीं है, जो मुझे कबूतरबाजी सिखाई है वालद साहब की वजह से शौक हुआ है, कुछ कबूतरों ने सिखाई है, कुछ वालद साहब ने सिखाई थी, तो दूसरा जो प्रैक्टिकल होता है ना, जिस तरह वो बाकायदा एक आप किसी एक क्लब में शामिल हुए हैं या एक ख़ानदान में शामिल हुए हैं, तो वो ऐसे है। 2003 में मैंने चेयरमैन साहब की शागिर्दी की है, उसके बाद वो हमारा वो पार्टी सिस्टम मियां नज़ीर ग्रुप से साथ चल रहा है, अल्लाह की मेहरबानी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरे पास दो नस्लें शुरू से थी, एक अली वाले एक फिरोजपुरी, वो वाला साहब के टाइम के मौजूद हैं, वो चल रहे हैं, मैंने उनमें मेल नहीं किया, वो चलते हैं आए हैं। दूसरा सिवाय मियां नज़ीर पार्टी के अलावा, पार्टी भी बल्कि छोड़े, मियां नज़ीर साहब और चेयरमैन साहब के अलावा एक मलिक बाबर साहब हैं, एक चेयरमैन साहब हैं या मियां नज़ीर साहब हैं, इनसे इनके अलावा मैंने कभी किसी से कबूतर नहीं लिए और मैं अच्छा भी नहीं सकता। जो ये कबूतर हैं मियां साहब वाले या हमारे अपने वाले, इनसे अच्छे कम कबूतर होते हैं, मैं इन पर एतमाद करता हूँ, ये अच्छे शो। ये थे जी जनाब उस्ताद फजलदाद ऑफ चकवाल, जिन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। ये बड़े नफीस, पढ़े लिखे, बड़े बाशऊर और बड़े डिसेंट किस्म के इंसान हैं। कबूतर परवरी के हवाले से उनकी गुफ्तगू आपने मिलाजा की, मेरा ख्याल में उन्होंने सच्ची और खरी बातें की, शौक के हवाले से भी और अपनी जातियात के हवाले से भी, कि किस तरह उन्होंने शौक को कंटिन्यू किया और किस तरह वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल में जिस तरह की उनकी गुफ्तगू थी, ये नौजवान कबूतर परवर के लिए
एक सनद और एक मोहर की साबित होगी। जो गुफ्तगू उन्होंने की, आपने मुलाहजा की, उनका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। अब आपको उनकी उनके घर के कबूतर वो खुद अपने हाथ से दिखाएंगे और मैं भी अपने हाथ से आपको उनके शौक के कबूतर जो है ना वो लाइव दिखाएंगे।